बेहतरीन क्वालिटी कंपनी अगेन, और इसका मैं टारगेट पहले बता देता हूं, 190 का पहला टारगेट, दूसरा 210 का। और इसका जब भी टारगेट, देखिए कोई भी अगर पीएसयू स्टॉक्स की बात करें तो वहां पे एक चीज देखना बहुत जरूरी है, वो डिविडेंड यील्ड और इन टोटल रिटर्न्स देखना है। तो अब टोटल रिटर्न्स का मतलब है डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन। तो डिविडेंड 7-8 रुपए करीब ये कंपनी दे देती है और कैपिटल अप्रिसिएशन दे दे, तो दोनों मिला के अगर हो जाए, अब जैसे 7-8 रुपए ये हो गया और आज अगर ये चल के 180-185 रुपए हो जाए तो मेरा टारगेट अचीव मानिए। बट यस, 210 का टारगेट है, 225 के ऊपर हाइज दिखाया हुआ, वहां से करेक्टेड लेवल्स पे है। सारे मेटल्स में आग लगी हुई है, सारे स्टॉक्स, इवन इस बार पीएसयूज हो, सारे स्टॉक्स चले हैं। और मुझे याद है संदूर मैंगनीज, जो कि मैं ये गिरावट के पहले मतलब 1200-1500-1800 के दिया और आज गजब का था। बट ये जस्ट बिकॉज इट्स अ पीएसयू स्टॉक नहीं चलता है और एक सुस्त स्टॉक है, बट मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे मार्केट्स में, ऐसे माहौल में मॉइल जैसे स्टॉक के साथ जाना चाहिए। बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे है, 200 डेमाज और सारे अपने एवरेजेस के आसपास है, तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बढ़िया है और कोई भी वॉलिटिलिटी आई ये सस्टेन कर जाएगा, ऐसा मेरा एकदम दृढ़ विश्वास है। क्योंकि मैंने पास्ट में भी जब भी मेटल्स की बात होती थी तो मैं यही स्टॉक रेकमेंड करता था, और मुझे लगता है मेटल्स में तेजी आएगी तो मैन्युफैक्चरर्स और जो मेटल्स के यूजर्स हैं उनसे ज्यादा जो माइनिंग कंपनीज है वो बढ़िया करेगी। जैसे कि मैं हमेशा NMDC, मॉइल, ये मेरे फेवरेट्स रहे हैं और संदूर मैंगनीज भी, इसलिए मैंने रेकमेंड किया था। सो 9 के पी मल्टीपल पे है, ठीक है, पीएसयू स्टॉक है तो सस्ते रहते ही है ये। और सेल्स की ग्रोथ भी पिछले 5 साल की देखें तो 13-14% की रही है, और इस क्वार्टर में गजब के रिजल्ट्स है। दिसंबर क्वार्टर लाजमी था, और पिछले 4-5 क्वार्टर दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 गजब के गए हैं, और बीच में 2-3 क्वार्टर जरूर पहले जो लॉकडाउन के पहले थे वो हल्के थे, बट 51 करोड़ का पैर था दिसंबर 2020 में, उसके सामने दिसंबर 2021 में 124 करोड़ का पैट। तो यानी कि TTM बेसिस पे 362 करोड़ कंपनी ने कमाए हैं, और आप देखिए 3500 करोड़ की कंपनी और 362 करोड़ का पैट है, सो दैट गिव्स मोर कंफर्ट। और मुझे लगता है कि देखिए प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग, जो कि सरकार है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो 64% के लगभग है। तो यहाँ पे वो जो ओवरहैंग रहता है अननेसेसरली, जो OFS और ये सब का भी नहीं है, DIIs, FIIs भी है, सो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी मिनी रत्ना कंपनी है, फैंटास्टिक फंडामेंटल्स। तो 210 का दूसरा टारगेट दिया, 190 का पहला टारगेट।